नमस्कार, उलट बांसी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक नई व्यंग रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप इसका आनंद लेंगे। व्यंग रचना का शीर्षक है, टैलेंट का अकाल है, साहब का बुरा हाल है। जिसको देखो वही कहता रहता है कि मोदी सरकार में टैलेंट का टोटा है, अकाल है। कहते हैं कि पूरा देश तो मोदी जी की मुट्ठी में है, मगर उनकी सरकार के पास टैलेंट की बहुत कमी है। सरकार बिना टैलेंट के चल रही है, और बिना टैलेंट के जैसी सरकार चल सकती है वैसी ही चल रही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आरोप गंभीर है। मोदी जी तो खुद टैलेंट के महासागर हैं, साक्षात भगवान हैं। उनके रहते कभी टैलेंट की कमी हो सकती है क्या? मगर आरोप तो लग रहे हैं, आरोप तो लगाए जा रहे हैं। अब बताइए, मोदी जिसे टैलेंट समझकर जिंदगी भर घमंडियाते रहे, उसे खारिज किया जा रहा है, दो कौड़ी का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नागपुरिया फैक्ट्री का माल होता ही ऐसा है, बिना भेजा वाला, बोलता घना है मगर अंदर से थोथा, पोला और खाली। चलिए साहब, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर ये कैसे बर्दाश्त करें कि जिन्हें वे टैलेंटेड समझते हैं उन्हें भी उनके जैसा ही बताया जा रहा है, यानी उनका जैसा ही टैलेंट, उनके जैसा ही काम। अब टैलेंट की भरपाई 24 घंटे और बिना छुट्टी लिए काम करने से तो होती नहीं है, हो नहीं सकती। जब ये सब आरोप सुन सुनकर साहब थक गए तो कुछ टैलेंट बाहर से ले आए, मगर उसे भी उनके जैसा ही घोषित कर दिया गया। अब बताइए, कहते हैं कि टैलेंट लाने वाले का टैलेंट जैसा होगा वो वैसा ही टैलेंट लाएगा भी। खरीदारी करने वाले को कद्दू और लौकी का फ़र्क तो मालूम होना चाहिए ना, नहीं तो वो कुछ भी उठा लाएगा। साहब जिन्हें लाए उनकी भी ऊपर की स्टोरी में गोमूत्र और गोबर भरा हुआ था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उनसे ना तो कुछ होने वाला था और ना ही हुआ। और जले पर नमक छिड़कना तो शायद इसी को कहते हैं कि जो छोड़कर चले गए, निंदक उन्हें ही असली टैलेंट बताने लगे, कहने लगे कि मोदी जी के पास अच्छे टैलेंट को संभाल के रखने का टैलेंट है ही नहीं। उनके पास कोई टैलेंटेड आदमी टिकता ही नहीं है, या वे किसी अच्छे टैलेंट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। खत्म, बाय बाय टाटा। इस निंदा अभियान का कुल जमा असर ये हुआ कि मोदी जी की सियासी छतरी में हो गए बड़े बड़े छेद, और रफू करने वाला कोई है नहीं। आईटी सेल को लगाया, मगर उसने छेदों को और बड़ा कर दिया। अब टैलेंट विहीनता हर छेद से झांक रही है, मनगढ़ंत आंकड़ों से भी छिपाए नहीं छिप रही, गोदी मीडिया भी हेल्पलेस हो चुका है। हद तो तब हो गई जब इन नामुराद निंदकों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी शुक्र मनाइए, जनता के पास आपको समझने का टैलेंट नहीं था, इसलिए आपके टैलेंट की पहचान वो तुरंत कर नहीं सकी। अगर पहचान कर लिया होता तो 240 नहीं 40 पर ला देती आपको। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इतने दिनों तक आपको मालवी की आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भी बचाए रखा, गोदी मीडिया का धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। वो भी टैलेंट विहीन है, इसलिए उसने भी आपका साथ दिया, टैलेंट विहीन भाई भाई की तर्ज पर। लेकिन मोदी जी चिंतित हैं, और उनका चिंतित होना बनता है क्योंकि बहुमत से नीचे आने के बाद ये टैलेंट विहीनता वाला, टैलेंट के टूटा वाला नैरेटिव और मजबूत होता जा रहा है, और ये मोदी जी पर भी हावी हो गया है। उनको भी पता है
कि वे बैसाखियों पर हैं, कमज़ोर तो हो ही गए हैं, अब बिना टैलेंट के कैसे संभालें, कैसे छिपाएं अपनी दरिद्रता, कैसे अपनी मूढ़ता को ढकें ताकि लोग उन पर ना हंसें। कुछ तो करना होगा और तुरंत करना होगा। यही वजह है कि उन्होंने टैलेंट हंट शुरू कर दिया है, चैनल चैनल, अखबार अखबार, ट्विटर ट्विटर तलाश रह चल रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। लाओ लाओ, बाहर से लाओ, दूसरी पार्टियों से लाओ, बड़े पदों पर लाओ, मगर टैलेंट लाओ। बिना टैलेंट के 10 साल तो गाड़ी खिंच गई भैया, अब ना खिंचने वाली। लेटरल एंट्री शुरू हो गई है, नेताओं और तथाकथित पत्रकारों से लेकर प्रोफेसर तक सब लाइन में लग गए हैं। लाइफ टाइम चांस, कल हो ना हो, अभी जो मिल रहा है लपक लो। मंडल कमंडल हो गए, लोगों ने कहा बंडल थे बंडल हो गए। पहले से काबिज मठाधीशों कमंडलधारियों को ये अच्छा ना लगा, उन्होंने चिमटा उठा लिया। लेटरल एंट्री भला किसे अच्छी लगती है, उन्हें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी लगेगी, जिनकी नज़र भी उन्हीं पदों पर लगी हुई थी जिन पर लेटरल एंट्रियाँ की गई और की जा रही हैं। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलने की कोशिश की ज़रूर, मगर खुला नहीं, तो हिंदू राष्ट्र की दुहाई देते हुए हथियार डाल दिए। मस्त प्लानिंग। अब मोदी जी जो टैलेंट मार्केट से खरीद कर लाए, वो टैलेंट तो सबका था और किसी का भी ना था, भाड़े पर चलता था, यानी जो भाड़ा दे टैलेंट उसका। ये टैलेंट जहां पद सत्ता और पावर दिख जाते भाड़े पर लग जाते थे, वह उन्हीं के लिए बोलते और डोलते थे। जिधर ढलान दिखती थी ये टैलेंट उसी फिसल पट्टी पर फिसलने लगता था। जो नेता कृपा करने की स्थिति में होता था वो उनके पीछे पड़ जाता था, ये उनके पीछे पड़ जाते थे। बहुरूपिया थे, कभी दलित, कभी पिछड़ा, कभी बहुजन, कभी लिबरल या कभी कम्युनिस्ट हो जाता था। अब आगे बढ़ने के लिए मनुवादी होना शर्त बन गई है, तो मनुवादी हो गया। संयोग से, सौभाग्य से और जोड़ तोड़ से जीवन में बहुत कुछ मिला, अब फिर मिल रहा है तो ले लिया। किसी ने तो टैलेंट को समझा, कोई तो पारखी है जो हीरे की कीमत समझ रहा है। दूसरे सुनारों ने तो उसे घटिया माल समझकर रिजेक्ट कर दिया था। 150 रुपया देगा। टैलेंट तो हर दुकान पर गया था बिकने को, हर जगह अपनी चमक भी दिखाई थी, मगर किसी ने नहीं खरीदा। अब कोई अच्छा खरीदार मिला है तो क्यों ना बिके। बिकाऊ टैलेंट का काम है विचार बेचना। उसके लैपटॉप में तरह तरह के विचार हैं, वो विचारों से खेलना जानता है, वो उनको उलट सकता है, पलट सकता है, बिना राग द्वेष के कभी इनके लिए गढ़ सकता है तो कभी उनके लिए। इतना तो आप जानते ही हैं कि धंधे में मार्केट और ग्राहक देखकर काम करना पड़ता है, यही वे कर रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बहरहाल ये टैलेंट उनके पास भरपूर है, जिसका जिक्र अभी हमने किया। आप पलटू राम कहो कोई बात नहीं, झूठा मल, फर्जी चंद कोई बात नहीं, कह लो। अच्छा दाम मिलना चाहिए बस, नाम में क्या रखा है, ईमान में क्या रखा है, असल बात तो है दाम। दाम से उनका दम चलता है, दाम मिले तो वे दमदार हो जाते हैं, पूरा दम लगाकर सेवा करते हैं। इस बाजारवादी टैलेंट के लिए दलित, बहुजन, वंचित, शोषित सब सीढ़ी हैं, सीढ़ी मात्र हैं। अब सिर पर सीढ़ी रखकर तो हर जगह घूमा नहीं जाएगा, इसलिए उपयोग किया और फेंक दिया। वैसे सीढ़ियों को लेकर ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत भी नहीं, सीढ़ियों का असली मकसद तो ऊपर चढ़ना होता है, सीढ़ियों से प्यार मोहब्बत नहीं की जाती। अब उन्होंने नई सीढ़ी पकड़ ली है, जब ऊपर चढ़ जाएंगे तो उसे भी फेंक देंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मंडल से कमंडल हो सकते हैं तो कमंडल से मंडल भी हो सकते हैं, कांग्रेसी और कम्युनिस्ट होने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं होगा। ये तो जिन्हें दुष्ट बताते हैं
उनको भी पूछ सकते हैं, उनके भी पैर पकड़ सकते हैं। सब कुछ अवसरों पर निर्भर करता है। ठीक है कि इस टैलेंट के पास वोट बैंक नहीं है, मगर नॉलेज बैंक तो है, ज्ञान की राजनीति तो है, ज्ञान का आतंक तो है, ज्ञान के बल पर इसका या उसका प्रोपेगंडा करने की तकनीक और कला तो आती है। जो पत्रकार इस टैलेंट से लैस हैं वे लपर लपर करते हुए सत्ता की मलाई चाट सकते हैं, बहुत से चाट भी रहे हैं, चैनलों अखबारों में बैठकर, YouTube, ट्विटर पर हंगामा खड़ा करके या सीधे सरकार में शामिल होकर। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बॉटम लाइन ये है कि विचार वस्त्र की तरह होते हैं, वे कभी नीले कभी लाल तो कभी भगवा हो सकते हैं, उन्हें मौसम और अवसर के हिसाब से पहना उतारा जा सकता है। अगर व्यवहारिकता के इस तकाजे को टैलेंट ने नहीं समझा तो वो कहीं का नहीं रहेगा, कोई उसे नहीं पूछेगा, वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। बॉटम लाइन ये भी है कि इस टैलेंट के लिए पत्रकारिता एक मुखौटा और सामाजिक प्रतिबद्धता एक रणनीति है। ऊपर पहुंचने के लिए प्रतिबद्धता से बंधे रहना खतरनाक हो सकता है, इससे अपना विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रतिबद्धताएं भी कोई भीष्म प्रतिज्ञा जैसी तो होती नहीं है कि शरसैया पर लेट जाएं, वे भी बिस्तर की तरह होती हैं, जब सोना हुआ बिछाया ओढ़ा और फिर लपेट कर रख दिया। अब रही विकास की बात, तो ये विकास ही तो है, आप इसे ह्रास क्यों कह रहे हैं? ऐसे टैलेंट तो एम्बुलेंस की तरह होता है, उसका विकासवाद पब्लिक के भरोसे और ज़मीर को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। लोग अगर उन्हें इसके लिए गरियाते हैं तो गरियाते रहें, उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता, बल्कि वे इसे भी सकारात्मक रूप से लेते हैं। वाह क्या सीन है। अच्छा है गरिया रहे हैं, खूब गरियाएं, नहीं गरियाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, चर्चा ना हो तो मार्केट डाउन हो जाता है, पूछ परख होती रहनी चाहिए, गाली गलौज होती रहनी चाहिए। और ज़्यादा गरियाओगे, तर्क वितर्क करोगे तो ये टैलेंट गांधी अंबेडकर सावरकर मार्स लाकर रख देगा, उनको कोट कर करके बता देगा कि उन्होंने ये कहा था और इसलिए मैं सही हूँ। महापुरुषों ने तो और भी बहुत कुछ किया और कहा होगा जिसका जिक्र वो नहीं करेंगे, चुनिंदा वक्तव्य उठाएंगे और खुद को उनकी बराबरी पे ले जाकर रख देंगे। बाकी संभालने के लिए क्रांतिकारी चेला मंडली और आईटी सेल तो रहता ही है। मोदी सरकार अब नए टैलेंट से सुसज्जित हो रही है, उसे लग रहा है कि वो निंदकों को मुंह तोड़ जवाब दे देगी, यानी बहुत टैलेंट टैलेंट की बात करते थे ना, ये लो टैलेंट, कभी देखा है ऐसे टैलेंट? विरोधियों को ध्वस्त कर देगा अब ये टैलेंट। लेकिन ये भी एक तरह का घमंडियापा है, क्योंकि जब भी टैलेंट दरबारी हुआ है वो बर्बाद ही हुआ है। टैलेंट को दरबार के नियम कायदे मानने पड़ते हैं, राजा का बाजा बनना पड़ता है, और जब राजा का बाजा बनता है टैलेंट तो वो बेकार हो जाता है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है, वो शापग्रस्त हो जाता है। और अगर राजा खुद प्रचारक रहा हो तो फिर करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात हो जाती है। तो देखना है कि नया टैलेंट टैलेंट का अकाल दूर करता है कि टैलेंटहीनता के टैंक को और भरता है। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार की बदहाली और भी बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस व्यंग को सुनने देखने के लिए, उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, और आपको कैसा लगा ये प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।